क्या सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे थे जो उनकी हेल्थ पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी? क्या सुशांत की मौत के ठीक एक रात पहले पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके तार इस केस से जुड़े हुए हैं? रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है? ये सारे अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर रहे समी अहमद ने यह बताया है कि पिछले साल दिसंबर से सुशांत कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। ये दवाइयां कुछ ऐसी थीं जो उनकी हेल्थ पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी, जिससे उनके पैर भी कपकपाने लगे थे। लंबे वक्त से समी सुशांत के ट्रेनर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब से सुशांत ने रिया को डेट करना शुरू किया है, उनके बिहेवियर में लगातार बदलाव हो रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले तक सुशांत ने कभी भी कोई दवाइयां नहीं ली, लेकिन रिया के कांटेक्ट में आने के बाद से वो ये दवाइयों का कोर्स ले रहे थे। दूसरा अपडेट, सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें क्या लिखा है ये जान लीजिए। उन्होंने लिखा है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और पिछले एक साल से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। पिछले 8 जून को वो सुशांत के घर से अपने घर सेंटा क्रूज चली गई। उन्होंने ये भी बताया है कि सुशांत डिप्रेशन के पेशेंट थे और फिर 14 जून को सुशांत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बात को लेकर वो खुद भी बहुत दुखी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने ट्विटर पर इस बात की मांग भी की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, फिर भी लोग उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं और उनको कई तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर रिया ने सेंटा क्रूज थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। तीसरा अपडेट, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती ने जो याचिका दाखिल की थी उसके विरोध में बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल किया है। इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह भी अपना पक्ष रखने के लिए कैवियट दाखिल कर चुके हैं। अपनी याचिका में रिया ने यह भी कहा है कि पटना में उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता यानी कि सुशांत के पिता के सिंह का एक बड़ा प्रभाव लगता है। ऐसे में बिहार में एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती और इसलिए इस पूरे केस को मुंबई ट्रांसफर करने के आदेश दें। चौथा अपडेट, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस पूरे मामले पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिया पहले मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करके इस पूरे मामले पर CBI के जांच की मांग करती हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये केस मुंबई पुलिस को देने की बात करती हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती दोनों की इस केस पर आम सहमति है, इसलिए इस केस की जांच पटना पुलिस को ही करनी चाहिए। पांचवा अपडेट, इस केस को लेकर लगातार कई थ्योरीज और कई बातें निकल कर आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि जब सुशांत की मौत हुई उसके ठीक एक रात पहले सुशांत के घर पर एक पार्टी रखी गई जिसमें महाराष्ट्र के एक नेता के बेटे के होने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यही कारण है कि मुंबई पुलिस ये केस अपने ही हाथ में रखना चाह रही है, लेकिन इस खबर की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो ये तमाम बातें हैं जो अभी तक इस केस में निकल कर आई हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आगे जो भी अपडेट्स होंगे उस पर भी हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।